वित्तीय प्रबंधन एक महत्वपूर्ण विषय है। वित्तीय प्रबंध के माध्यम से एक व्यवसाय की वित्त व्यवस्था, उसका नियोजन, उसका आवंटन, उसका प्रयोग और नियंत्रण, एक व्यवसाय की कार्य कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए कई मापदंड है, कई टूल्स एंड तकनीक जिनमें वित्तीय प्रबंधन देश को राशि वास्तव में यह राशि विभिन्न प्रकार के वार्षिक जो प्रतिवेदन होते हैं व्यवसायिक संस्थाएं उनका एक आधार अंग वित्तीय प्रबंध के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के गतिविधियों का व्यापक आधार पर मूल्यांकन कर सकते हैं अनुपात विश्लेषण। तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा वित्तीय अनुपात रेशियो है वो वास्तव में एक व्यवसाय की कार्य कुशलता, एक व्यवसाय की उपलब्धि, एक व्यवसाय की विफलताओं, एक व्यवसाय के लिए तुलनात्मक जानकारी प्रदान करने के महत्व। बात यह आती है कि अनुपात क्या है। अनुपात दो संख्याओं का एक तुलनात्मक स्थिति है जिसके माध्यम से हम ये जानने में सफल होते हैं कि उन दोनों संख्याओं में किस प्रकार का संबंध है। यहाँ पर आता है वित्तीय अनुपात। एक व्यवसाय की दो विभिन्न वित्तीय मद वो लाभानी खाते की भी हो सकती है, वो व्यापार खाते की भी हो सकती है, वो चिट्ठी की भी हो सकती है, उनके मध्य तुलनात्मक प्रस्तुतिकरण संभव होता है। एक संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण संभव होता है और उसके माध्यम से एक व्यवसायी ये जान सकता है कि उन मदों में किस प्रकार का संबंध है, वे मदें किस प्रकार एक दूसरे से तुलनात्मक रूप से जुड़ी हुई। तो वास्तव में जो रेशियो एनालिसिस है वो एक महत्वपूर्ण गतिविधि है और इसके द्वारा एक व्यवसाय की कार्य कुशलता, वित्तीय सुदृढ़ता, एक व्यवसाय की उपलब्धि का आसानी से मूल्यांकन संभव होता है। अब बात की आती है अनुपात विश्लेषण में हम अनुपातों का वर्गीकरण करते हैं और उसके आधार पर हम देखते हैं उनका अलग अलग वर्गीकरण किया जाता है। कुछ चिट्ठे के आधार पर मापते हैं, कुछ लाभ आने खाते के आधार पर मापते हैं, कुछ सामान्य अनुपात को तरलता की स्थिति का मूल्यांकन। यहाँ तरलता का विकार मीनिंग ऑफ दैट लिक्विडिटी दायित्व को भुगतान करने की क्षमता से एक व्यवसाय में भुगतान क्षमता क्या है इसका मूल्यांकन हम तरलता के माध्यम से। तो वास्तव में किसी भी व्यवसाय के दायित्व को भुगतान करने की क्षमता को हम तरलता के नाम से समझते हैं। तरलता अनुपातों में हम निम्नलिखित अनुपात मुख्य मानते हैं और उनमें पहला जो अनुपात चालू तरल चालू संपत्तियों और चालू दायित्वों के बीच में पाए जाने वाले संबंधित व्याख्या करने वाले अनुपात को हम चालू अनुपात के नाम से।
इसे कार्यों से पूंजी अनुपात वर्किंग कैपिटल रेशो भी कहा जाता है, क्योंकि चालू संपत्तियां और चालू दायित्व दोनों ही कार्यशील पूंजी में दो मुख्य घटक हैं और चालू संपत्ति और चालू दायित्व का अंतर ही कार्यशील पूंजी कहलाता है। तो वास्तव में कार्यशील पूंजी का विश्लेषण करने के चालू अनुपात करंट रेशो की कॉम्पोनेंट मैं तो तकनीक है, एक व्यवसाय की अल्पकालीन दायित्व है, अल्पकालीन शोधन क्षमता का मूल्यांकन का मुख्य आधार चालू चालू अनुपात की गणना हम निम्नलिखित सूत्र से करते हैं। करंट रेशो टोटल करंट डेट बता टोटल करंट यहाँ पर करंट असेट्स चालू संपत्ति वे संपत्तियां जो या तो नकद में या आने वाले 12 महीने की अवधि में आवश्यकता पड़ने पर नकद में रूपांतरित की जा सकती है, वे संपत्तियां जो या तो नकद में है या आने वाले 12 महीने की अवधि में नकद में रूपांतरित की जा सकती है। इन संपत्तियों में हम कैश डेबिट्स स्टॉक प्रीपेड एक्सपेंसेस बीच इन्वेंट्री एडवांस पेमेंट आदि को शामिल यानी आपका इन्वेंट्री आ गया है तो ये तो आपका करंट लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स बिल्स पेबल बैंक ड्राफ्ट शॉर्ट टर्म लोन डिविडेंड पेमेंट इंटरेस्ट पेमेंट टैक्स आदि को शामिल करते हैं। इस प्रकार हम क्या है करंट रेशियो में करंट सेट्स बटा करंट आई आदर्श चालू के रूप में आदर्श मान यानी दो रुपए की चालू संपत्तियों के पीछे एक रुपए का चालू दायित्व होता है तो ऐसी स्थिति को आदर्श अनुपात के नाम से समझते हैं, क्योंकि कहने का मतलब है एक रुपए का जो दायित्व है उसका तुरंत भुगतान किया जा सकता है। वास्तव में आदर्श चालू अनुपात यह है कि नजदीक यदि कोई व्यवसाय का चालू अनुपात किया जाता है तो वो वास्तव में गणना योग्य है, वो वास्तव में एप्रिसिएबल है, उस व्यवसाय की वित्तीय स्थिति अल्पकालीन दृष्टि से काफी सुंदर हो सकती है। चालू अनुपात की गणना में सावधानी की जरूरत है, हमें चालू संपत्ति की गणना बहुत ही सावधानी से करनी चाहिए।
प्रकार की जो प्राथमिक संपत्तियां हैं, जो नामात्र की संपत्तियां हैं, उनको चालू संपत्तियों में शामिल नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार हमें चालू दायित्व की गणना है वो भी हमें वास्तव में बहुत ही सोचना चाहिए।